Hi guys, welcome back to my channel. I am Faith Diksha Joshi. I am back with another topic, another video. तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाली हूँ जो हमारे CA students की सबसे बड़ी वीकनेस होती है. तो हम CA students की, जनरली मोस्ट ऑफ दी CA students की जो वीकनेस होती है वो होती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. दैट इज़ अगर अकाउंट्स है, FM है, कॉस्टिंग है या टैक्स है, तो उसके अंदर हम लोगों को डर लगने लगता है. हमारा एक्सपर्टीज़ जनरली थ्योरी सब्जेक्ट में होता है, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होता है, और जहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात आती है तो हम लोगों का जो फियर है, एंग्जाइटी है, वो बढ़ती जाती है. सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टैक्स सब्जेक्ट की, और टैक्स के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि कैसे हम टैक्स को प्रिपेयर करें, कैसे हम टैक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करें. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट इट सब्सक्राइब्ड. तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है ताकि हम टैक्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं. तो सबसे पहली टिप जो है वो है कि आपकी जो भी क्लास है, आप जो भी, मतलब कोई सी भी, अगर आप इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहे हो, तो जैसे ही आपका वो सेशन ख़त्म हो, जैसे ही आपका वो लेक्चर ख़त्म हो, तो आप उसके बाद जो भी उस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं. तो जनरली मेरे साथ ऐसा होता था कि जब फैकल्टी पढ़ा रही है तब तो मुझे सब कुछ समझ आता था, पर जब घर जाके मैं 3-4 दिन के बाद देखती थी तो फिर मुझे नहीं समझ में आता था. तो इसलिए बेटर है कि आप जो चीज़ आज पढ़ाइए उसका रिवीजन आज करो कि क्या चीज़ पढ़ाइए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको नेक्स्ट डे ज़रूर पूछो अपनी क्लास में, या जो भी आपका डाउट सॉल्विंग सेशन तब जब भी होता है उसके अंदर आप उस डाउट को ज़रूर पूछो. डाउट्स को पाइल अप मत होने दो, जो भी डाउट आ रहा है उसको वहीं की वहीं क्लियर करो. तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है कि क्लास ख़त्म होने के बाद आपको उस चीज़ को रिवाइज़ करना है, एक बार रिव्यू करना है कि क्या क्या पढ़ाया, और अगर कोई डाउट है तो उसको तुरंत ही सॉल्व करवाना है. नाउ सेकेंड चीज़ जो हमारी होनी चाहिए वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी. अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपका एक आध पॉइंट रह भी गया कुछ भी, फिर अपने हिसाब से उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे. पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप चीज़ों को क्रैम कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकल्स को क्रैम करने लगोगे तो होगा क्या कि जब भी कोई दूसरी तरह का क्वेश्चन उसने पूछ लिया, या फिर अगर सेम क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछ लिया, तो आपको वो सॉल्व करना नहीं आएगा. तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी कंसेप्ट है उसको एकदम क्लियर रखो. जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे जो भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा. नाउ द थर्ड थिंग इज़ नोट्स प्रिपेयर करो. आप आपके नोट्स बनाओ. मतलब नोट्स हम लोगों को क्यों बनाने, क्योंकि जो टैक्स का सिलेबस है वो बहुत वास्ट है. इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बहुत ज़्यादा वास्ट है. और जब, पता है प्रॉब्लम कब आती है, अभी तो चलो हम पढ़ भी लेंगे, पर प्रॉब्लम आती है जब वो एंड के जो डेज होते हैं ना, जब हमको रिवीजन करना होता है, तब हमें समझ नहीं आता कि हम रिवीजन कैसे करें, कहाँ से करें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्या क्या चीज़ें छोड़ें, और उन सब के चक्कर में हम लोग कुछ भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते. तो इसलिए आप आपके एक नोट्स की कॉपी ज़रूर बनाओ कि जो भी टॉपिक है उसका शॉर्ट में चीज़ें, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, उनको आप ज़रूर नोट करके रखें. अगर कोई फार्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन चीज़ों को जॉट डाउन करके आप एक जगह पर रखो, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. और इससे रिलेटेड एक बोनस टिप है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. नाउ द फोर्थ थिंग इज़ सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है. जब हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतने क्वेश्चंस देखते हैं, इतनी चीज़ें देखते हैं, तो टैक्स तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, तो आप कैसे आगे जाकर सॉल्व कर पाओगे चीज़ों को. अगर हम बात करें क्रिकेट मैच की, अगर आपको क्रिकेट खेलना है और आपको मैच को जीतना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए. तो यहाँ पर भी जब आपको एक्चुअल में वहाँ जाके सम्स को सॉल्व करना है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे जाके परफॉर्म कर पाओगे. तो अगर आपको परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव करनी है, तो आपको आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और आपका टाइम टेबल ऐसा है कि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हो, तो आप टैक्स को रोज़ अपने शेड्यूल में इंक्लूड ज़रूर करो. भले आप आधे घंटा, एक घंटा सम सॉल्व करो, पर सम ज़रूर सॉल्व करो. प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स, या फिर जो भी नोट्स आपकी कोचिंग क्लासेस से आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो वाले नोट्स आप यूज़ कर सकते हो. प्रैक्टिस मैनुअल जो आप सॉल्व कर सकते हो. तो आपको सीक्वेंस क्या रखना है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं आपकी कोचिंग से, आप उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए गए हैं, तो उनको सॉल्व करने में आपके लिए थोड़ा कंफर्ट जोन रहेगा. तो जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपका जो कंसेप्ट्स है वो और धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे. उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस मैनुअल्स को जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, तो आपके कोचिंग के नोट्स है, उससे एक लेवल अप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. और लास्ट में आप देखो कि
क्या पहले के पेपर्स में पूछा गया है, तो उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आपको आपके कोचिंग के नोट्स सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करना है, प्लस आपको पास्ट ईयर के पेपर ज़रूर देखना है। आप ये तीनों चीज़ों को सॉल्व ज़रूर करके जाए। नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ कि अब ना आपका जो टैक्स है वो बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर हम चाहेंगे भी कि हम सब कुछ कवर कर ले, पर एट द एंड आपका कुछ ना कुछ छोटा मोटा टॉपिक तो छूटेगा ही छूटेगा। तो आप आपके प्रिपरेशन की सीक्वेंस क्या रखो कि इससे पहली चीज़ आप डिवाइड कर लो कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और वो टॉपिक कितना वास्ट है। अगर ऐसा होता है कि टॉपिक छोटा है पर उसके मार्क्स ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ को पहले ख़त्म करो। ऐसे टॉपिक्स जो टॉपिक बहुत बड़े हैं पर उसमें से बेरली कोई चीज़ पूछी जाती है, तो आप उस टॉपिक को एंड के लिए रखो। तो इस ऐसे क्या होगा कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके सारे कवर हो जाएंगे, वो स्किप होने का कोई चांस बचेगा ही नहीं। और जो टॉपिक लास्ट में बचेंगे वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो अगर चलो गलती से छूट भी गया तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप आपके जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक है प्लस जो छोटे टॉपिक्स है उनको आप सबसे पहले ख़त्म करो, उस और लास्ट में किन टॉपिक्स को रखो जो कि कम वेटेज है पर वो टॉपिक बहुत वास्ट है, उनको आप लास्ट के लिए रखो। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज़ जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं उसको आप चेक करते रहो। टैक्स भी कैसा है कि वो अमेंड होता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप जो भी रेट वगैरह अगर कुछ चेंज हुए हैं, कोई पर्टिकुलर अगर अमेंडमेंट आया है टैक्स लॉज में, तो आप उसको ज़रूर चेक करो, क्योंकि चांसेस बहुत रहते हैं कि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाए। ये थी हमारी कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो। डू लेट मी नो इन दिस कॉमेंट सेक्शन आपके लिए टैक्स में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है। अब हम बात करते हैं हमारी बोनस टिप की। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप हमें उन्होंने बताई थी जिनसे हमने क्लासेस की थी। तो ये टिप एक बोनस टिप की तरह आप लोग ले सकते हो कि आप एक ना पतली सी जो टेस्ट कॉपी चलती थी ना स्कूल टाइम में, वैसी एक कॉपी बनाओ और उसके अंदर आप आपके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट डाउन करो। कंसेप्ट इन द सेंस कि जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारा चैप्टर नंबर 1 है तो इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूला थे। अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन है जो कि इसमें नहीं दिया है पर वो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया था, क्या स्टेप्स रहेंगे जिनको फॉलो करके आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें, या कोई अगर कंसेप्ट है या तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में उस कंसेप्ट को वहाँ पे लिख दो। तो ऐसा क्या होगा, जब आपके चैप्टर वाइज एक कंसेप्ट कॉपी प्रिपेयर होती जाएगी, जब आप एंड में रिवाइज करने जाओगे ना, तो आप उठाकर वो मतलब जिस दिन पेपर होता है उस दिन सुबह सुबह उठाकर आपकी सिर्फ कंसेप्ट कॉपी भी रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप एंड में जाके आप सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो इस कंसेप्ट कॉपी में आपको वो क्वेश्चन नंबर लिखना है जो कि आपको एंड में जाके रिवाइज करना है। क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं कि वो एक जैसे पैटर्न पे चल रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम सारे तो सॉल्व करने बैठेंगे नहीं, रिवीजन के टाइम पे हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम रहता है। तो आप वो क्वेश्चन नंबर लिख लो जो कि डिफरेंट है या किसी में कोई नया कंसेप्ट यूज़ हुआ है, वो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लो कि हाँ स्कैनर का क्वेश्चन नंबर ये मुझे देखना है, सर के नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 मुझे देखना है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 10 मुझे देखना है। ऐसे करके जो जब भी आप अभी सॉल्व करोगे तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन अलग है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो सिमिलर है उनमें से एक दो लिख लो कि आपको सारे सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने से क्या होगा कि जो भी एट द लास्ट मोमेंट आपके हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि एग्जाम में जो भी चीज़ पूछेगा तो आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही करना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हैं वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।